हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भल्लास किचन। दोस्तों, गणेश उत्सव आ रहा है और हमारे प्रिय गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है, तो आइए आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन 2 कप, चीनी का बूरा 2 कप। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, चीनी का एक बूरा आता है जो किसी भी किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। ये मैंने 2 कप लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं मेलन सीड्स यानी कि मगज के बीज 2 टेबल स्पून, पिसी हुई इलायची 1/2 टीस्पून, पिस्ता 1 टेबल स्पून, काजू 1 टेबल स्पून, देसी घी 1/2 कप लिया है और बादाम मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ देसी घी, और जैसे ही देसी घी पूरी तरह पिघल जाएगा हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो ये देखिए, देसी घी पिघल चुका है और मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है। इसके बाद हमें बेसन को अच्छे से घी के अंदर मिलाना है। अब यहाँ पे बेसन पूरी तरह मिक्स हो चुका है इसके अंदर, घी के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कुछ पानी की बूंदे डाली हैं जिससे कि बेसन फूल जाए। अब बेसन को हम करीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ काजू और बादाम, और फिर मैं इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करूँगा। और दोस्तों, ये बेसन पूरी तरह अब हमारा भून चुका है, इसको मैं एक थाली में निकाल के ठंडा कर लूँगा। ये बेसन को मैंने थाली में निकाल लिया है और अब हम इसको ठंडा करेंगे। और यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए मगज के बीज और मैं उसको करीबन 1/2 मिनट तक भूनूंगा। अब ये बेसन के अंदर ये जो भुने हुए मगज के बीज है मैंने वो डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ जो पिसी हुई इलायची थी, वो यहाँ पे पिसी हुई इलायची डाल के भी हमें मिक्स करना है इसको अच्छे से। और सबसे आखिरी में हमको डालना है जो चीनी का बूरा था, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। बूरा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस अब हमें अच्छे से बेसन को मसलना है। ये बेसन पूरी तरह तैयार हो चुका है, अब हमको इसके लड्डू बनाने हैं। और जो ये मैंने लड्डू बनाया है इसको हम पिस्ता से डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।